Good morning, student. Today we will discuss next topic of the vector. पीछे हमने पढ़ा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ रहे थे हम, उसके टू पार्ट थे, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और सेकेंड था हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे जी। ज्यादा वो तो है नहीं इसमें, इम्पोर्टेंट वाली बात केवल ये आपका कंपटीशन लेवल में आएगा तब है कि उसमें इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो किस तरह सोल्व करेंगे उसी के लिए है, नहीं सीबीएसई लेवल में ये नहीं है। तो इसमें देखो किस तरह क्या होगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका होगा भी ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इस तरह ये होगा, या इसको लिखेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये होगा ए क्रॉस और इंटू में बी क्रॉस सी, या ए क्रॉस बी इंटू में क्रॉस सी, लेकिन इनकी वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं आएगी, ये इक्वल नहीं होंगे। हमें स्केलर उसमें पढ़ा था देखो ए डॉट बी क्रॉस सी, या इसको हम ये भी लिखते थे ए क्रॉस बी डॉट सी, यानी साइक्लिक ऑर्डर में चेंज थे, चेंज हो जाते, लेकिन इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होते, इसमें स्केलर जो है वेक्टर प्रोडक्ट में चेंज नहीं होंगे, ये सेम रहेंगे। तो इस तरह ये अलग अलग वैल्यू होगी इसकी और इसकी वैल्यू अलग आएगी, तो ये क्या करना है आप सबसे पहले तो हम इसको लिख क्या सकते हैं, ये देखो ए क्रॉस बी डॉट सी, ये वैल्यू याद रखने भी ए क्रॉस बी और क्रॉस सी किसके इक्वल आएगा, ये आएगा a डॉट c इंटू b वेक्टर हो जाएगा, b वेक्टर a डॉट c तो आपको पता है क्योंकि एक स्केलर आएगा और उसको b से मल्टीप्लाई, माइनस ये होगा b डॉट c और इंटू में a, ये देखो फॉर्मूला क्या है अभी a क्रॉस b c है, तो a का और लास्ट का यानी फर्स्ट और लास्ट के डॉट प्रोडक्ट इंटू में सेकेंड, अब फिर क्या होगा सेकेंड और लास्ट की डॉट प्रोडक्ट और फर्स्ट सेम, यानी इसमें क्रॉस प्रोडक्ट करना फर्स्ट और लास्ट फिर डॉट प्रोडक्ट बी, इसी तरह इसका करना है बी का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट इनटू में ए, ये फॉर्मूला होगा हमारा इसमें डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ट्रिपल में ये निकालना है। देखो क्वेश्चन करते हैं उससे समझ में आ जाएगा, इफ ए इक्वल टू टू आई, ए वेक्टर है भी माइनस टेन जे और प्लस टू के, और बी वेक्टर है वो क्या दे रखे है भी थ्री आई प्लस जे प्लस टू के, और सी वेक्टर है वो है टू आई प्लस जे प्लस थ्री, ये वेक्टर है। अब इसको सोल्व करेंगे वो देखो, पहले हमारे पास क्या है ए वेक्टर बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, तीनों वेक्टर, तो इसमें क्या करें ये फॉर्मूला लगाएं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये निकालना भी ए क्रॉस बी क्रॉस सी, फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये क्या करेंगे देखो ए क्रॉस बी और क्रॉस सी, ये करें तो किसकी इक्वल आएगा, पहले तो ए डॉट सी, तो ए डॉट सी निकाले तो वो देखो पहले ए डॉट सी क्या आएगा, ए डॉट सी ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो ए वेक्टर तो ये हमारा टू आई माइनस टेन जे प्लस टू की, और डॉट सी वेक्टर कितना है टू आई प्लस जे प्लस थ्री की, ये भी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो भी टू आई के साथ करें कि कितना होगा फोर, फिर जे की जे वाले के साथ करें तो माइनस टेन, और थ्री की टू के साथ करें तो सिक्स, प्लस सिक्स प्लस फोर टेन माइनस टेन यानी जीरो, इसी तरह फिर क्या निकाले बी डॉट सी निकाले बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो बी वेक्टर हमारा है थ्री आई प्लस जे प्लस टू के, डॉट प्रोडक्ट सी के साथ टू आई प्लस जे प्लस थ्री के,
इसका क्या आएगा, आई के आई के साथ करेंगे तो सिक्स, जे का जे के साथ करेंगे तो वन, टू का थ्री के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा भी? एक बी और सी में एक और था भी, हाँ ठीक है जो भी था, सिक्स और ये कितना आ जाएगा डी डॉट सी, तो थ्री आई प्लस जे प्लस के एक माइनस का होगा, तो इसमें माइनस नहीं है प्लस के ही सभी, ठीक है तो इसका कितना आ जाएगा, आई का आई के साथ करेंगे सिक्स, जे का जे के साथ किया तो वन, और के के साथ करेंगे तो प्लस सिक्स, यानी सिक्स और सिक्स ट्वेल्व और थर्टीन। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, ये हमारी वैल्यू रखेंगे ए डॉट सी, ए डॉट सी हमारा कितना आ गया भाई जीरो इन टू में बी वेक्टर, और बी वेक्टर है कुछ भी हो बी वेक्टर है इन टू में ये है थ्री आई प्लस जे प्लस टू के, जीरो हो जाएगा माइनस बी डॉट सी, बी डॉट सी हमारा थर्टीन और इन टू में ए वेक्टर, ए वेक्टर किसके इक्वल है ये वाला था हमारा टू आई माइनस टेन जे प्लस टू के, थर्टीन से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते तो ये आंसर आ जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन इसी का पार्ट है, वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी सी, ए क्रॉस बी सी ये निकालना है, इसका था ए क्रॉस बी सी यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये क्या होगा भाई फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई, यानी ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी और डॉट सी, ये निकालना इसका भी ए डॉट बी फर्स्ट और सेकेंड और इंटू में सेकेंड, यानी फर्स्ट और थर्ड सी बी बार, फिर फर्स्ट और सेकेंड फिर थर्ड बार होगा सी का, ये निकालना है। वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ये इसके इक्वल होगा, और इसके साथ ये एक और दे रखे अभी ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का ये वैल्यू होगी। अब इसमें सिंपल वो ही वैल्यू दे रखे भी, ए की वैल्यू है ये आई माइनस टू जे प्लस के, और b वेक्टर है वो है 2i प्लस j प्लस में k, और c वेक्टर d1 है में i प्लस 2j माइनस k, ये वेक्टर है तो इसमें रख दोगे a डॉट c, पहले a डॉट c निकालेंगे a डॉट c, ये किसके इक्वल होगा a हमारा i माइनस 2j प्लस k, और डॉट c का मतलब होगा i प्लस टू जे माइनस की, आई की आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वन, जे की जे वाले के साथ करेंगे तो माइनस फोर, और के की के साथ करेंगे तो माइनस वन, ये हो जाएगा यानी माइनस फाइव वन, यानी ये आपका माइनस फोर। इसी तरह से ये निकालेंगे अगला ए डॉट बी, ए डॉट बी वो किसके इक्वल निकालेंगे, ए डॉट बी करेंगे तो ए वेक्टर आई माइनस टू जे प्लस के, और बी वेक्टर है टू आई, टू आई और प्लस जे प्लस के, ये बी वेक्टर आ गया। इसकी करेंगे तो आई की है टू के साथ करेंगे तो टू, टू जे की जे के साथ करेंगे तो माइनस टू, और के की के साथ करेंगे तो वन, टू से टू यानी वन, तो इस फॉर्मूले में रख देंगे ए डॉट सी, ए डॉट सी हमारा कितना आ गया माइनस फोर, और बी वेक्टर, बी वेक्टर कितना है टू आई प्लस जे प्लस के, और माइनस में ए बी, ए डॉट बी कितना आ गया वन, और इन टू में सी, सी की वैल्यू ये थी भी आई प्लस टू जे माइनस के, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर में कर देंगे भी वही, तो यही होगा। नेक्स्ट अभी यूजिंग दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी ए डॉट सी बी ए डॉट बी इनटू सी वेरीफाई, ये तो हो गया अभी, प्रूव दैट नेक्स्ट का देखो भी क्या आएगा,
प्रूव दैट नेक्स्ट अभी। अच्छा इसमें बी क्रॉस बी या सी क्रॉस सी होगा वो जीरो के इक्वल होगा भी। देखो जी है प्रूव दैट ये जीरो के इक्वल आंसर जाना भी ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर प्लस में बी वेक्टर क्रॉस सी क्रॉस ए वेक्टर और प्लस में सी क्रॉस ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। इसको जीरो के इक्वल प्रूव करना है तो इसमें देखो क्या करेंगे। पहले ए क्रॉस बी क्रॉस सी है तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी को इसके हिसाब से क्या लिखेंगे। देखो ए डॉट ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला क्या था ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी और डॉट सी इंटू में सी ये हो गया। प्लस में देखो इसमें क्या फॉर्मूला बनाया भी ए बार था बी क्रॉस सी तो ए और थर्ड का पहले बीच वाला बार फिर पहला और सेकंड अंदर और सी वाला बार हो गया थर्ड। तो इसी तरह से ये क्या होगा ए और सी यानी बी और ए पहले अंदर बी डॉट ए और सी बार फिर माइनस बी और सी अंदर ए बार ये वेक्टर आ गया। प्लस में इसका क्या आ जाएगा सी और बी अंदर ए बार डॉट माइनस सी और ए बार और बी का बार से ये मल्टीप्लाई ये हो जाएगा। अब देखो इसका किस तरह क्या करेंगे अब इसी का करेंगे ये देखो ये इस बीच में क्या करते हैं माइनस प्लस माइनस। अब ये है ए डॉट सी बी और ए सी बी में ही तो आया ये और इसका देखेंगे एक और होगा इसका ए सी बी में वो इसे कैंसिल ये साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करते हैं ये जैसे या ये ए सी बी इसको लिख सकते हैं। देखो ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी ए डॉट बी या इसको सिंपली ये लिख दे ए डॉट सी क्रॉस बी का मतलब ए सी बी ये ए डॉट बी और सी और इसका लिखेंगे ए डॉट प्लस में बी ए सी तो इसका कन्वर्ट कर दे एक आगे ले जाए तो ये साइक्लिक ऑर्डर में क्या आएगा इसका इधर लाए तो या बी को इधर चेंज कर दे माइनस कर दे तो ये हो सकता है माइनस ए डॉट बी और सी के रूप में या इस तरह इसको आपस में चेंज करेंगे तो ये आपस में कैंसिल होते चलेंगे और ये इक्वल टू क्या होगा आपका जीरो। यानी इस वाले पार्ट से सी डॉट बी ए है इसको साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करें तो ये क्या लिख सकते हैं ए और बी सी लिख सकती है प्लस का और ये माइनस का हो इसको लाएंगे तो माइनस ए बी सी के रूप में लिख सकते हैं ये तो सेम है इसको ये रह दे दो सी बी ए बार इसको लिख सकते हैं साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करें तो ए बी और सी हो जाएगा और ये था ए बी सी पहले वाला ये ए बी सी ये वाला इससे जिस तरह आपस में प्लस माइनस के होंगे आपस में कैंसिल होके ये कंप्लीट का आंसर आ जाएगा इस तरह करना। एक फोर्थ क्वेश्चन और देखो इसी तरह का इसमें फोर्थ का है प्रूव दैट बी क्रॉस सी क्रॉस प्रोडक्ट सी क्रॉस ए इक्वल टू ए बी सी उसमें ये लिख रहा है ए बी सी और इन टू में सी ये प्रूव करना है बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस ए इक्वल टू सी पहले तो ये करना प्रूव करना है तो पहले ये देखो भी क्या होगा यदि हम बी क्रॉस सी को लेट बी क्रॉस सी को हम बी मान लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास बी क्रॉस सी क्रॉस ए और इसका हमें फॉर्मूला पता है ये वाला फॉर्मूला क्या होगा फर्स्ट और लास्ट का क्रॉस प्रोडक्ट बी डॉट ए और सी माइनस बी डॉट सी और ए यही तो होगा और d की वैल्यू रखेंगे हम यही होगा d क्रॉस c क्रॉस ए
डी की रख दिया, डी क्रॉस सी क्रॉस ए का क्या रख दिया हमने, डी डॉट ए और सी, डी डॉट सी इन टू में ए। अब इसका देखो क्या लिख सकते हैं, भी बी क्रॉस सी इसकी वैल्यू रखें, डी की वैल्यू हमने क्या दी बी क्रॉस सी, तो इसकी वैल्यू रखें ये क्या आ जाएगा, बी क्रॉस सी डॉट ए ये होगा और इनटू सी, माइनस डी की वैल्यू रखें बी क्रॉस सी डॉट सी और इनटू में ए। अब इसका देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, बी सी ए और इनटू सी, और ये क्या होगा बी सी सी इंटू ए, और डबल सी आ गया तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये क्या बचेगा इसको रिवर्स ऑर्डर में लगाएं तो ये क्या लिख सकते हैं, ए बी सी इंटू सी, और ये आंसर प्रूव करना था ए बी सी इंटू सी। इसका सेकंड पार्ट है अभी वो देखो क्या प्रूव करना है, बी क्रॉस सी प्रूव दैट, सेकेंड पार्ट में करना है बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी सी का स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो इसका देखो सेकेंड पार्ट किस तरह सोल्व करेंगे, ये यहां से देखो ये वाला प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले तो क्या लिख देंगे इसका, बी क्रॉस सी ए बी सी का, तो ये क्या लिखें पहला सेम बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस ए और डॉट प्रोडक्ट उसके साथ लिख दें ए क्रॉस बी या ए क्रॉस बी। इसी तरह दूसरा लिखेंगे ये होगा बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी को हम क्या लिखेंगे, बी B क्रॉस C, C क्रॉस ए बी डॉट प्रोडक्ट A क्रॉस B, ये लिखते थे ना जैसे ये था A B C, तो इसको हम क्या लिख सकते थे A क्रॉस B डॉट प्रोडक्ट C, ये फॉर्मूला इसी में लगा B क्रॉस C, C क्रॉस A में कि A और B की जगह तो हमारे पास ये B क्रॉस C, C क्रॉस A, तो B क्रॉस C क्रॉस C क्रॉस A डॉट A क्रॉस B ये हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे, इसका सोल्व हमने किया था B क्रॉस C, C क्रॉस A, इसमें पिछले क्वेश्चन में किया था तो उसका कितना आया था, B क्रॉस C, C क्रॉस A का क्या था A B C और इनटू में A था शायद, वो A B C इनटू में C था जो भी था आपका ये आया था A B C इनटू में C आया था, C आया था यहाँ पर, इसका हमने पिछले इस क्वेश्चन में किया था, पिछले क्वेश्चन में B क्रॉस C, C क्रॉस A का तो ये आया था A B C डॉट C और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है, तो इसका देखो क्या आएगा, भी इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, देखो ए बी सी और सी डॉट ए, यानी इसको ये लिख सकते हैं सी डॉट ए क्रॉस बी और इसको क्या आ गया ए बी सी और मल्टीप्लाई में ये क्या है सी ए बी, ये साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करें इसको ए बी सी, तो इसको साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करें तो क्या आएगा ए बी सी, यानी सी इधर आएगा ए इधर बी इधर, तो ये आ गया ए बी सी और ए बी सी होगा तो ये किसके इक्वल होगा ए बी सी का होल स्क्वायर, ये इस तरह की एक्सरसाइज है इसमें। इसी तरह का पीछे का उसमें साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करोगे वो कैंसिल होते जाएंगे, तो ये एक्सरसाइज वैसे सीबीएसई में नहीं है अभी आपके सीबीएसई डिलीट है, केवल ये कंपटीशन लेवल में आपके क्रॉस प्रोडक्ट के तीन आ सकते हैं, सीबीएसई वाले में एक दो क्वेश्चन है चैप्टर में जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी में आपको उसमें फिल करने हैं, तो ये ध्यान रखना भी इसमें उसके हिसाब से ये एक्सरसाइज हो जाएगी और आगे वाले में करवाएंगे। थैंक यू।